नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम पब्लिक स्कूल जसलपुर तरफ थी हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करू छू। हवे आपणे जे समय एवो आव्यो छे के कोरोना नी महामारी ने कारणे आपणे घेर बेठा भणवू पड़े, माटे आपणे ત્યાર પાછું જેટલું જોયા હતા હવે આપણે જે પોચમી કવિતા છે એની આપણે ગાન કરીશું અને એની સમજાવટ પણ હું તમને સમજાવીશ। તો પહેલે હમ ગાન કરેંગે। ધરતી કી શાન તો ભારત કી સંતા તેરી મુઠ્ઠીઓ મે બંધ તૂફાન હૈ રે, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरी हिमगिरी साबा, तेरी भ्रुगटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, रे मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सारी, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पछुता का शीत झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, रे मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो काव्य में मनुष्य की जो महानता है उसका वर्णन किया गया है कि धरती की शान, तो मनुष्य धरती की शान, शान यानी के उसका वैभव, उनका गौरव है। धरती की शान तू भारत की संतान, तो हम सब भारत के संतान है। हमने जो भारत में जन्म लिया है वह पुण्य भूमि भारत भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है, इसीलिए हम भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, रे तेरी मुट्ठी, એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે તારી મુઠ્ઠી, આ મુઠ્ઠી, તેરી મુઠ્ઠીઓ મે ક્યા હે બંદ તૂફાન, તૂફાન કો ભી તું મુઠ્ઠીઓ સે રોક સકતા હે। મનુષ્ય તું બડા મહાન હે, મનુષ્ય તું બડા મહાન હે, તું જો ચાહે પર્વત પહાડો કો ફોડ દે, તેરે અંદર ઇતની શક્તિ ભરી હુઈ હે कि तू पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तेरे अंदर तेरे भीतर की अंदर इतनी शक्ति छुपी हुई है कि तू नदियों के जो प्रवाह है उसको भी मोड़ सकता है। जैसे कि हमने नर्मदा नदी पर जो बंध बनाए तो वह नदियों के मुख को मोड़ लिया है, ऐसा कहते हैं। तो नर्मदा नदी पर जो हमने सरदार सरोवर जो बंद बनाए हैं वह नदी के मुख को मोड़ दिया है, तो यह कार्य मनुष्य ने किया है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे,
तू जो चाहे माटी से, तो हम किसान के पुत्र है, तो तू जो चाहे माटी से, तो माटी में से क्या पैदा होता है, अमरुद, क्या पैदा होता है, अमरुद को भी तू निचोड़ सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से, तेरे अंदर इतनी ताकत है कि धरती को अंबर यानी कि आकाश से भी तू जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तुझको अमर तत्व मिला है, अमर तेरे प्राण मिला तुझको, अमर तत्व का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो मनुष्य की हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है, हर मनुष्य पशु पंखी की आत्मा में भगवान का वास है, इसे कहते हैं तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। तेरी आत्मा में क्या है, स्वयं तू भगवान का स्वरूप है। नयनों में ज्वाल, नयन हमारे नेत्र, हमारे नेत्र में क्या है, ज्वाल अग्नि, अग्नि छुपी हुई है। तेरी गति में भूचाल, तेरी गति, तेरी चाल, तेरे चलने में भूचाल भूकंप आ जाएगा, ऐसी तेरी चाल है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती के अंदर स्वयं शिव का महाकाल यानी कि शिव, शिव छुपा हुआ है। पृथ्वी के लाल, तेरी तेरा हिमगिरी सा बाल, ये पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी, हिमगिरी यानी कि हिमालय जैसा बाल है। तेरी भ्रुगति में तांडव का ताल है, तेरी भ्रुगति, तो हमारे जो आईब्रो जिसे कहते हैं उसे भ्रुगति कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भ्रुगति में तांडव, जब शिव जी तांडव करते हैं उसका ताल तेरे अंदर छुपा हुआ है। निज को तू जान, तू खुद को पहचान, स्वयं को पहचान, जरा शक्ति पहचान, तेरी शक्ति को तुम पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान, तू जो वाणी बोलता है उसमें युग का, युग की ललकार सुनाई देती है। धरती सा धीर, तुम धरती सा धीर हो, क्या हो, धरती सा धीर हो। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तो जो समय का प्रवाह है उसको भी तुम थाम सकते हो, काल को, काल यानी कि समय, तो समय को भी तुम थामने की हिम्मत रखते हो। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश, जो लोग पाप करते हैं पशुता जैसे उसके लक्षण है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तो वह पापों का प्रलय और पशुता का जो समय है उसको तुम नष्ट कर सकते हो। गुरु सा गतिमान, तेरे अंदर गुरु जैसी शक्ति छुपी हुई है, कौन सी, गुरु जैसी शक्ति। पवन सा तू गतिमान, पवन जैसा गतिमान है तू, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, उड़ान कौन सी उड़ान गई है, कि नभ से भी ऊंचे तेरी उड़ान जा सकती है। तो इस काव्य में मनुष्य के जो गुण है वह उसका निर्देश किया गया है। हमको यह काव्य नोटबुक में लिखनी है, आज का जो आपका गृह कार्य है तो नोटबुक में यह काव्य आपको लिखनी है। और मैंने शब्दार्थ भी लिखे हैं, तो शब्दार्थ देखते हैं। शान यानी के वैभव गौरव, मुख प्रवाह बहन, धरती पृथ्वी दरा, अंबर आकाश नभ, ज्वाल अग्नि, भूचाल भूकंप, भार ललाट, भ्रुकुटी वो भ्रुकुटी हमारी जो भ्रुकुटी होती है, काल यानी के समय, और गतिमा यानी के बुद्धिमा। तो यह काव्य आपको नोटबुक में लिखनी है और शब्दार्थ लिखने हैं, फिर हम आगे देखते हैं।